अच्छा हम सुनो ना शेर का जो नाम है शेर का जो नाम है शेर जली शेर है जेड़े पार बस खामोशी रखो और मैं जी गल करा उस सुनो पले बनो और फिर अगे काम चलाइए क्योंकि चौधरी परवेज लाई साहब ने भी गल करनी है। मैं तुसा सारे दोस्तों ने शुक्रिया अदा करना बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मेरे नहायत ही काबिल एहतराम मेरे भाई जनाब चौधरी परवेज लाई साहब मेरे भाई जनाब कर्नल अनवर साहब मेरा जिगर मलक लियाकत अली खान साहब मेरे भाई पीर अब्बास मोहीउद्दीन साहब मेरे भाई जनाब काजी खालिद महमूद साहब जनाब मंजर मीर खान साहब तमाम नाजमीन नायब नाजमीन अमायदीन दोस्तों बुजुर्गों भाइयों साथियों MSF और यूथ के वर्करों मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। आज जिस प्यार और वलवले का मुजाहरा आपने किया है ये मुखालफों की आंखें खोलने के लिए काफी है। आज सिर्फ और सिर्फ पिंडी के तहसील का ये इकट्ठ है और इसके बाद अगला कट जनाब पीर अब्बास मोहीउद्दीन साहब के तहसील जंड के अंदर होगा इंशाल्लाह ताला और उसके बाद पूरे जिले का कन्वेंशन वर्कर्स कन्वेंशन पूरे जिले का इंशाल्लाह ताला अटक के अंदर होगा वो इंशाल्लाह अगस्त या सितंबर में करेंगे। अगले माह इंशाल्लाह एक पीर अब्बास मोहीउद्दीन साहब की तहसील जंड के अंदर हमारे सारे नाजमीन जो है जंड के वो भी बार बार इस चीज पर इसरार करते हैं कि चौधरी परवेज लाई साहब अपने हल्के में तशरीफ लाए। ये भी मैं आपको बता दूं कि मुखालफीन बड़ा कहते हैं कि जी चौधरी साहब को हमने इलेक्ट कर भेजा है और मुखालफीन कहते हैं किधर है चौधरी साहब। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि MNA के क्या फराइज होते हैं। MNA का काम है आपकी आवाज ईवानों तक पहुंचाए आपके लिए तन मन धन लगाए आपके लिए रोजगार के मौके फराहम करे आपके मसाइल को हल करे। मैं अटक के तीनों MNA शेख आफताब अहमद सलीम हैदर और चौधरी परवेज लाई का मुआवजना करना चाहता हूं। डेवलपमेंट अब भी पिछले दौर को मैं नहीं बात कर रहा अपने 6 साल दौर को 5 साल दौर वो एक सुनहरी दौर था। डेवलपमेंट सड़कें बिजली गैस डैम स्कूल भर्तियां हेल्थ वेटनरी सेंटर यूनिवर्सिटियां स्कूलों की अपग्रेडेशन कौन सा एग्रीकल्चर टर्बाइने ट्रैक्टर सब्सिडी वजीफे आप गरीबों के बच्चों के लिए करोड़ों रुपए के वजीफे जो इस खादमे आला ने आकर बंद कर दिए। और ओ यार बस करना मेहरबानी तेरी ओ बस मेजर हो गया ना मेजर नूर गल करन दे जरा इस खादमे आला ने
खादमे आला ने आकर तमाम वजायफ बंद कर दिए। किसको मिल रहे थे? मुनस लाई के बच्चों को, मेजर तार सादिक के बच्चों को, कर्नल अनवर के बच्चों को, या गरीबों के बच्चों को दे रहे थे? और इस खादमे आला जो कहता है मैं बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर हूं, बड़ा बहुत बड़ा मेरी गवर्नेंस है, इसको टेले का नहीं पता, इसको यह नहीं पता कि बेर का किस तरफ होता है, इसको यह भी नहीं पता, इसको एक टेले का काम नहीं आता। मैं कहता हूं 24 घंटे के लिए इसको मेरे पास रिमांड पे भेजो, मैं इसको बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर बना के बाहर भेजूंगा। अगर इसको मैं एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेशन वो होती है, ये सारे कहते हैं हकूमत हकूमत हकूमत, लानत भेजते हैं ऐसी हकूमत पे। हकूमत वो होती है जो लोगों के दिलों पे की जाती है। और अल्लाह के फजल करम से अटक के अंदर हर दिल में चौधरी परवेज लाई और मुस्लिम लीग बसती है। अल्लाह की मेहरबानी से हम हर घर के अंदर हैं। हमने मुलाजतें दी, 15,000 लोगों को सरकारी मुलाजतें दी गई और इन्होंने आकर उन लोगों को फारग कर दिया। लेकिन हम ये नहीं कि कोई डर जाने वाले हैं, हमें तो मजा ही अपोजिशन में आता है, हमें तो मजा ही तब आता है कि जब आगे से कोई रुकावट हो, आगे से कोई आगे पहाड़ खड़ा करे, मजा ही तब है जब आप उस पहाड़ को रेजा रेजा कर कर आगे बढ़ते हैं। अब जब आप उस तूफान का रुख मोड़ कर आगे बढ़ते हैं, हमें तो लुत्फ ही तब आता है। और अल्लाह पे यकीन कर ले, इतना लुत्फ हमें अपने उस 6 साल दौर में नहीं आया जब अब जितना आ रहा है। इसलिए क्या अब लोगों को सही पहचान हो पाई है कि अच्छा और बुरा क्या है, गंदा और अच्छा क्या है, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन क्या थी और बुरी एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? अब लोग पछता रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे अल्लाह के फजल व करम से अगले जनरल इलेक्शन में, और इलेक्शन भी आ गए हैं और आपको पता है हमने इलेक्शन लगाया हुआ है। हम कहते हैं आज डब्बा रखो, हमें जरूरत नहीं कंपेन की, हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमने लोगों के लिए वो कुछ किया जो वो सोच भी नहीं सकते। और ये भी मैं आपको बता दूं, जिस शख्स को आपने यहां सेलेक्ट किया है, ये इंशाल्लाह वक्त आने पर बमाए सूद, और सूद भी बड़ी किस्म का सूद जो 40% वाला, उसके जरिए आपका हक अदा करेंगे इंशाल्लाह। पहले भी इन्होंने वो काम किए आपके लिए, यूनिवर्सिटियां, एजुकेशन यूनिवर्सिटी, काम सेट यूनिवर्सिटी, आप देखें टेक्निकल इंस्टीट्यूट, आप देखें कमर्शियल इंस्टीट्यूट, स्कूलों की अपग्रेडेशन, कॉलेज, 7 नए कॉलेज जिला अटक के लिए बनाए गए, सड़कें गलियां नालियां, कौन सा वो काम है, कौन सा वो शोभा है जिसमें ये पीछे रहे? मैं इनको सलूट पेश करता हूं, मैं इनको सलूट पेश करता हूं, जो काम इन्होंने आपके लिए किया है वो ये भी सुन ले वो एक पीनट है। अब जो ये करने जाएंगे इंशाल्लाह वक्त आने पर अल्लाह ताला मेरा रब्बे जलील मौका देगा तो आप देखेंगे कि अभी भी आपने देखा कितना हुआ, आप सोच से भी नहीं सकते, आपकी सोच से भी बालातर काम होंगे इंशाल्लाह। भर्तियां भी होंगी 15,000, हम इंशाल्लाह 50,000 लोग भर्ती करेंगे अल्लाह के फजल करम से, और शहबाज शरीफ निकाले। मैं आपको यकीन दिलाता हूं इंशाल्लाह ताला आपका साथ रहा तो आपके जिले की और इस पंजाब और इस पाकिस्तान की तकदीर बदल दी जाएगी। ये जो पार्टियां कहती हैं हम इनकलाब लाएंगे, हम ये करेंगे, जमीन और आसमान के कलाबे मिलाते हैं, हम बातें नहीं करते, हम सिर्फ नारे नहीं लगाते, अमल करते हैं, ख्वाब नहीं, हम उसकी ताबीर देते हैं और उसको मुकम्मल करते हैं। और आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़े से बड़ा मुखालफ भी हमारा
ये ख्वाहिश कर रहा है कि हमारे साथ शामिल होता है। वो हमें बारह दफा लोग खुद रिंग करके कह रहे हैं, और आपको पता है नवाज लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले, कि जी हम आपके साथ शामिल होना चाहते हैं, आपके हाथ मजबूत करना चाहते हैं। उनको भी एहसास हो गया, उनको भी इस चीज का अंदाजा हो गया है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है और वो पछताए हुए। और मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ी इनकलाबी तब्दीली है, और इनकलाब इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाएगी। और आपने देखा जनाब चौधरी परवेज लाई साहब के इकदाम, अस्पतालों में 112, और ये जो पुलिस के अंदर इस्लाहात, पुलिस के अंदर उस वक्त जराइम आपने देखा कंट्रोल थे।